हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज का टॉपिक है नाश्ता, जो कि हैदराबाद में नाश्ते में इडली खाते हैं। तो मैं बनाने वाली हूँ इडली, और आप लोग भी ट्राई करना, बहुत अच्छा है। पहले हमको भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन अब बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं नाश्ता में आज वही बनाने वाली हूँ। बच्चे भी बोल रहे बहुत दिन हो गए इडली नहीं खाए, तो इडली बनाने वाली हूँ। आपको कैसा लगा आप लोग बताना, प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल पूरा देखना। तो बस चलो करते हैं स्टार्ट बनाना। ये है इडली का दाल, भिगाया था मैंने, भीग गया अच्छे से। थोड़ी देर ढक के रख देंगे इसको, तब तक और काम। तो जो ये दाल है मैंने ढक के रखा था, देख सकते हैं अच्छा सा झाग आ गया। अब ये है इडली रवा, इसको इसमें डाल के मिक्स कर दिया है, इसको अच्छा लाएंगे। ये हो गया है, थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रख देंगे और तब तक गर्म पानी डालते हैं। करके इसको पानी ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, थोड़ा ऑयल लगा के इसमें इडली बनाएंगे। इसमें बनाएंगे, इसमें डाल दिया है, पानी में आ गया है उबाल। तो इसमें ढक्कन रख देंगे, ये भाप में ही पकता है। चलो देखते हैं, पन चेक करते हैं एक बार। ये हो गया है रेडी, बन गया है, देखते हैं। ये बहुत अच्छा बना है, अभी दिखाएंगे। अच्छे से बना है ये, तो सॉफ्ट बना है। ये ऐसे भी हम इसमें से भी निकालेंगे, तो देख सकते हैं अच्छा बना है। सॉफ्ट बना है, अच्छा बना है। अच्छा बना है ये,
तो ये बना दी है इडली। जब तक बन रहे हैं इडली ऐसा गर्म होंगे, इसमें डालेंगे मूंगफली फली, बनाएंगे चटनी। आप देख सकते हैं ये भुन गए हैं अच्छे से। तो ये भी हो गया, ये है मूंगफली भुन चुके हैं अच्छे से। ये है चना दाल और हरी मिर्ची, कोकोनट पाउडर जो कि मैंने भुना है। अब इसको मिक्सी में पीसेंगे। इसमें बनाएंगे चटनी के लिए मसाला। मिर्ची तो ये चटनी पीस दिया है, इसी में डालेंगे तड़के को। वो देखो खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। चटनी बनके रेडी हो गया। तो चटनी है रेडी, आप देख सकते हैं। कार्तिक कैसे बना इडली? गुड है। ओहो अच्छा है, नहीं है चटनी अच्छा है नहीं है? चलो फिर पूरा खाओगे? ठीक है फिर। तो हर्षित कार्तिक तो अच्छा है बोले, हर्षित कैसा है? अच्छा है। गुड नॉट गुड? गुड। कार्तिक अच्छा था नहीं था? था। ओके तो बन गए हैं मेरे इडली। कैसे लगा आप लोगों को? बच्चों को बहुत पसंद आया। कार्तिक तो गुड बोल रहा था और अच्छा ही है, खाने में भी अच्छा है, सॉफ्ट है, हेल्दी है, तो खाना चाहिए कभी कभी। तो हैदराबाद का फेमस है सुबह इडली डोसा, कभी बनाऊंगी, डोसा भी बनाऊंगी, उसका वीडियो भी बनाऊंगी। आज तो सुबह है, बच्चों को लेट होता है स्कूल के लिए, तो मैंने इडली बनाई, उसके साथ चटनी था, लेकिन आप सांभर भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो उतना टाइम नहीं मिल पाता सुबह, तो इसीलिए मैंने चटनी बनाया। और अभी स्कूल छोड़ने जाना है कार्तिक को, और चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। बाय बाय।